आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। उत्तराखंड कैबिनेट अनुभाग को मंत्री गणेश जोशी पर लगे आय से अधिक संपत्ति के आरोपों पर अब सबूत चाहिए। इन सबूतों का अवलोकन करने के बाद ही कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी पर कोई फैसला लेगी। कैबिनेट के उप सचिव अजीत सिंह की ओर से इस मामले में विकेश नेगी को पत्र भेजा गया है, जिसमें विकेश नेगी से उनके द्वारा गणेश जोशी पर लगाए गए आय से अधिक संपत्ति के मामले में साक्ष्य उपलब्ध कराने को कहा गया है। आपको बता दें कि आय से अधिक संपत्ति के मामले में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी पर मुकदमा दर्ज करने को लेकर विजिलेंस कोर्ट की ओर से मंत्रिपरिषद अनुभाग से पूछा गया है। साथ ही कैबिनेट को 8 अक्टूबर तक जवाब देने को कहा गया है। मामले में कैबिनेट को फैसला लेना है कि मंत्री गणेश जोशी के मामले में वो क्या चाहती है। लेकिन इस बीच कैबिनेट उपसचिव की ओर से शिकायतकर्ता के पास पत्र पहुंचा है कि वो इस मामले में मंत्री पर लगे आरोपों पर साक्ष्य उपलब्ध कराएं। लेकिन शिकायतकर्ता अधिवक्ता विकेश नेगी इस पत्र पर हैरानी व्यक्त कर रहे हैं। उनका कहना है कि आखिर कैबिनेट को साक्ष्य देने का क्या मतलब। उन्होंने शिकायत विजिलेंस से की है और वहां सारे साक्ष्य वो पहले ही दे चुके हैं। विजिलेंस कोर्ट में मामला विचाराधीन है, तो ऐसे में मंत्रिपरिषद अनुभाग द्वारा उन्हें चिट्ठी लिखना न्यायोचित नहीं है। यही सारी बातें लिखकर वो कैबिनेट अनुभाग को बताने जा रहे हैं। अब देखना ये होगा कि 8 अक्टूबर को कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी के मामले में आखिर क्या फैसला लेती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जय भारत टीवी।